अपने घर को खूबसूरती से सजाइए, आइए पर्दे वाला द फर्निशिंग बुटीक। यहाँ है डी डेकोर जैसे टॉप ब्रांड्स, कर्टन और सोफा क्लोथ, स्लीप वेल मैट्रेसेस एवं फोम्स, साथ ही इंडिया सर्कस के होम डेकोर आइटम्स की विशाल रेंज। पर्दे वाला LIC कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर। 2020 की घटना है, पीड़िता अपने खेत में जा रही थी, यहाँ से आरोपी जो उसको लेके चला गया और उसके अलग अलग स्थानों पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया, जिस पर आज विशेष न्यायालय पॉक्सो संख्या 2 ने एक अहम फैसला सुनाया। इसमें आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास व 60,000 जुर्माने से दंडित किया है। इसमें कुल हमारे अभियोजन की ओर से 25 गवाह और 42 दस्तावेज प्रदर्शित हुए हैं। थाना कौन सा? थाना अराई का मामला है और इसमें मेडिकल और की पुष्टि हुई है और DNA मैच आने पर इस पर विशेष रूप से इस पर सजा का ये एंडोर्समेंट किया है। टिप्पणी क्या करी है भाई? जो बच्चों के साथ जो इस तरह के जो लैंगिक अपराध जो बढ़ रहे हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश के देखते हुए इस पर सजा सुनाई है। अच्छा, घटनाक्रम क्या था, किस तरह से क्या हुआ? ये पीड़िता अपने घर से खेत में काम करने गई थी और वहाँ खेत से आरोपी ने इसको बैला फुसला के ले गया और फिर वहाँ बाहर अलग अलग स्थानों पर ले जाकर इसके साथ दुष्कर्म किया। क्या आरोपी और इसका क्या संबंध? आरोपी का बस जान पहचान थी, अलग अलग थाना क्षेत्र अधिकार के अंदर रहने वाले थे। आरोपी सराना थाने का था, पीड़िता अराई थाने की रहने वाली थी। जी, इसमें कुल 2 आरोपी थे जिसमें एक को सजा दी गई, एक को बरी किया गया। दूसरा आरोपी कौन सा था? दूसरा आरोपी उसी के गाँव का था जो उसका साथी सहयोग करने में था इस अपराध को। नाम क्या किया आप जाए जो उस टाइम नाबालिग थी? नाबालिग को मतलब आप शादी कर ली? कर ली, उससे क्या करना? उसमें क्या परिचित तो हुआ ना, शादी कर ली। कितने गवाह बताए थे मैंने?